सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ पे मिले हैं, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू क्रैक एग्जामिनेशन विद इन 10 डेज। ठीक है गाइस, एग्जामिनेशन को अप्रोक्सीमेटली 10 दिन से भी कम बचे हुए हैं। सो ये 10 दिन में एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, जिन्होंने पहले से पढ़ाई नहीं की उनको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या सजेशन होने वाला है, ठीक है, और किस तरह से किस पैटर्न में पढ़ाई करें कि एटलीस्ट एग्जाम तक एटलीस्ट हम लोग एटलीस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लें। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर 4 में जो एडवांस कॉस्टिंग है, ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 जो है, उसके लिए आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पहले ये 3 चैप्टर्स में जो मेजर पोर्शंस हैं, जैसे मेजर पोर्शन में बात करें तो पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बेसिक्स। देन बजटरी कंट्रोल में बात करें तो कैश बजट और देन यू हैव अदर बजट्स लाइक फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, मास्टर बजट भी है, ठीक है। मास्टर बजट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीकॉम के लिए, बट फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट ही इंपॉर्टेंट है, उसी में से आएगा। क्लियर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड एंड वॉल्यूम एंड जो ये वेरिएबल ओवरहेड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मटेरियल वेरियंसेस, मटेरियल का सारा वेरियंसेस, लेबर वेरियंसेस, लेबर में आइडल टाइम वेरियंस, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग में, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन यू हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन एप्लीकेशन बेस सम्स आता है मार्जिनल कॉस्टिंग सीवीपी एनालिसिस में, देन यू हैव हम लोग ने सीखा था कि कॉम्बो सेल्स, ठीक है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बो सेल्स, देन यू हैव लिमिटिंग फैक्टर। तो ये सब क्या है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डिसीजन मेकिंग सम्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये सब सम्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम व्यू पॉइंट से। देन अगर हम लोग एबीसी का बात करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जितना भी सम्स आया हुआ है रीसेंट ईयर्स में वो सारा कर लेना चाहिए, और उस पैटर्न का और भी सेलेक्टेड सम जो बुक में दिया हुआ है उसको भी कवरअप कर लेना चाहिए। देन यू हैव द लास्ट चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। कॉस्टिंग में सारे ही चैप्टर बहुत आसान है, बट ऑल इज अबाउट हाउ डू यू कवर द सिलेबस, ठीक है। अभी तो एंड मोमेंट में ज़्यादा कवरेज नहीं हो सकता है, स्टिल एटलीस्ट हर चैप्टर में से इतना कवर कर लो कि एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया हो जाए। या फिर मान लो कॉस्टिंग में 5 चैप्टर्स है तो 3 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लो। तो 3 चैप्टर कौन कौन सा है, थॉरली कवर करो मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देन मूव करते हैं हम लोग टैक्सेशन सब्जेक्ट के बारे में। टैक्सेशन में सबसे पहले रिवाइज कर लो हाउस प्रॉपर्टी, देखो ये तुमको बहुत कॉन्फिडेंस देने वाला है, ठीक है, बिकॉज ये 15 मार्क्स में आएगा, और 15 मार्क्स में जब ये चैप्टर आ रहा है देन ज़्यादा चैप्टर्स में है नहीं, चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेते हैं तो आता है नोशनल रेंट, नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट का लोअर लेते हैं तो आता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हम चेक करते हैं अगर सम वैकेंसी है तो स्पेशल सम है, तो हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट रिसीवेबल का हायर ले लेते हैं, ठीक है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एनुअल रेंट रिसीवेबल का हायर ले लेते हैं। फिर उससे अगर वैकेंसी है तो वैकेंसी लेस कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी। जीएवी से हम लोग क्या लेस कर देते हैं, म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स विच इज पेड बाई ओनर, तो म्यूनसिपल टैक्स इट मस्ट बी पेड बाई द ओनर, म्यूनसिपल टैक्स मस्ट बी पेड, इट मस्ट बी पेड बाई द ओनर। अगर टेनेंट ने पे किया है तो उसका डिडक्शन हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो जैसे ही हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्यूनसिपल टैक्स पेड बाई ओनर लेस करते हैं, हम लोग को मिल जाता है नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू। और उससे हम लोग को याद रखना है सेक्शन नंबर 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए में मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ठीक है, रिपेयर्स हो गया, तो इन सारा खर्चा का अलग से कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, इसके बदले क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एट द रेट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एट द रेट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अगर एनएवी नेगेटिव है या फिर अगर एनएवी जीरो है, नेट एनुअल वैल्यू अगर नेगेटिव है या फिर जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस मीन्स अगर एनएवी पॉजिटिव है देन ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सर क्या एनएवी का भी नेगेटिव हो सकता है? यस, इट कैन बी नेगेटिव। हाउ कम? सपोज ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज 1 लाख एंड यू हैव पेड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ 1,20,000, ठीक है, बिकॉज म्युनिसिपल टैक्स तो पेमेंट बेसिस होता है, जितना पेमेंट उतना डिडक्शन, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1 लाख है और हमने म्युनिसिपल टैक्स पे कर रखा है 1,20,000, सो 20,000 नेगेटिव हो गया। और अगर एनएवी नेगेटिव हो गया, नेट एनुअल वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जीरो रहेगा, नेगेटिव पे 30% नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी जीरो, ठीक है। एंड देन यू हैव इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि अक्रूवल बेसिस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का लेना है, ठीक है,
करंट प्रीवियस ईयर 2022-23 का ही इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, कोई भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का होगा या फिर फ्यूचर का, अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस में पे कर दिया है तो उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। लोन मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर 4 स्पेसिफिक पर्पस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, रिपेयर्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, देन यू हैव परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी और रिन्यूअल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमने लोन लिया है फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी तो इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो सेविंग लिमिट व्हाटसोएवर इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट, क्लियर, लेट आउट टू द टेनेंट फॉर वॉट एवर पर्पज, ठीक है। बट अगर हमने लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड द लोन हैज बीन टेकन आफ्टर 1st April 1999, ऑन और आफ्टर 1st April 1999, अगर हमने लोन लिया है, हमने बैंक से लोन लिया है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एंड द लोन हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 1st April 1999, देन मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। 24B में जो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन का जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दैट विल बी ₹2 lakh, एंड इफ द लोन हैज बीन टेकन फॉर रिपेयर्स और रिन्यूअल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का रिपेयरिंग करवाने के लिए, रिन्यूअल करवाने के लिए अगर हमने लोन ले रखा है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एज डिडक्शन मैक्सिमम रुपीज 30,000। बट इफ द लोन हैज बीन टेकन प्रायर टू, मतलब बिफोर 1st April 1999, अगर हमने लोन ले रखा है प्रायर टू 1st April 1999, दैट इज बिफोर 1st April 1999, तो इन दैट केस, इन ऑल द केसेस, ठीक है, इन ऑल द केसेस, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी मैक्सिमम रुपीज 30,000, क्लियर। तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में एक और चीज है, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव, ठीक है, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव मतलब पीछे के सालों का बाकी रेंट अगर हमको मिल रहा है, ठीक है, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव अगर हमको रियलाइज हो रहा है, तो जितना रेंट रिसीव होगा, जितना अरियर रेंट रिसीव होगा उसमें से फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, फ्लैट 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा एंड द रिमेनिंग इनकम विल बी टैक्सेबल, मतलब 70% ऑफ द अरियर रेंट रिसीव विल बी टैक्सेबल, ठीक है, और कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, ठीक है, कलेक्शन चार्जेस भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो कोई खर्चा माइनस नहीं होने वाला है। सो दिस वॉज अबाउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में क्या होगा, ये आपको याद रखना है, इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट टू टेनेंट फॉर वॉट एवर पर्पज तो वो उसका कंप्यूटेशन होगा, इनकम कंप्यूटेशन होगा। बट इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट, इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट फॉर ओन बिजनेस पर्पज, ठीक है, मतलब हमने प्रॉपर्टी को सेल्फ बिजनेस पर्पज, खुद का बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया है और वहां से अगर कोई रेंटल इनकम आ रहा है, देन सच रेंटल इनकम विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड द सेम विल बी टैक्सेबल अंडर PGBP, क्लियर। अगर हमने सेल्फ बिजनेस के लिए, खुद का बिजनेस यूज के लिए, ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर्टी को अपने एम्प्लॉयज को ही भाड़ा पे दे रखा है, तो वहां से जो रेंटल इनकम आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो ज्यादा कुछ है नहीं इस टॉपिक में, क्लियर, हम लोग को छोटा छोटा बात याद रखना है, फिर कुछ कुछ बात हमको एक और याद रखना है कि अगर प्रॉब्लम KCDM का है, मतलब कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई का है, ठीक है, एंड क्वेश्चन में ओनली म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है तो उसको क्या कंसिडर करना है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है तो क्या कंसिडर करना है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। नेट को हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रॉस अप कर लेंगे, ठीक है, नेट को हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रॉस कर लेंगे। कैसे ग्रॉस करेंगे उसको, जो भी नेट म्यूनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा दैट विल बी डिवाइडेड बाई 90 into 100। सपोज नेट म्यूनिसिपल वैल्यू 81,000 है, सपोज नेट म्यूनिसिपल वैल्यू 81,000 है, लिख लो कॉपी में, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू 81,000 है, देन हाउ डू वी कैलकुलेट ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू 81,000 डिवाइडेड बाई 90 into 100, ठीक है, दैट विल गिव अ ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। तो हम लोग जब भी प्रॉपर्टी कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई बताएगा तो म्यूनिसिपल वैल्यू की जगह सम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू से, क्लियर। बट टैक्सेस, जितना भी टैक्सेस है, म्यूनिसिपल टैक्स एंड ऑल अदर टैक्सेस, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, ये हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू पे, ठीक है, ऑल द टैक्सेस विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, ऑल द टैक्सेस विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। सपोज हम तुम्हारे साथ एक एग्जांपल शेयर करते हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं, सपोज लेट अस से जो म्यूनिसिपल टैक्स है, ठीक है, जो म्यूनिसिपल टैक्स है उसका अमाउंट है 7,200, राइट डाउन, ठीक है, कॉपी में लिख दो इसको, जो म्यूनिसिपल टैक्स है उसका अमाउंट है 7,200 एंड द रेट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इज 10%, म्यूनिसिपल टैक्स है 7,200 एंड द रेट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स इज 10%। क्वेश्चन में हम लोग ने बोला हुआ है कैलकुलेट नेट म्यूनिसिपल वैल्यू एंड ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू एज द प्रॉपर्टी इज इन कोलकाता,
प्रॉपर्टी कोलकाता में है, म्यूनसिपल टैक्स का अमाउंट 7200 दिया हुआ है, म्यूनसिपल टैक्स का रेट 10% है, हमको क्या निकालना है नेट म्यूनसिपल वैल्यू कितना होगा एंड ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू कितना होगा। भाई नेट क्यों निकाल रहे हैं, नेट निकालेंगे तभी तो ग्रॉस निकाल पाएंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, जो म्यूनसिपल टैक्स का अमाउंट है वो 7200 है और हमको पता है कि म्यूनसिपल टैक्स इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट म्यूनसिपल वैल्यू। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल टैक्स का अमाउंट चेक करो कॉपी में, तुमने लिखा होगा कितना अमाउंट दिख रहा है 7200 और उसका रेट ऑफ टैक्स क्या है 10%। दैट मीन्स वी कैन से दैट 7200 इज इक्विवेलेंट टू 10%। 7200 जो है दैट इज इक्वल टू 10%। सो 7200 डिवाइडेड बाय 10 वी गेट वैल्यू ऑफ 1% इन 200 करेंगे ना तो नेट म्यूनसिपल वैल्यू आएगा कितना आ रहा है, इट्स कमिंग टू 72,000। इन 200 करने पे नेट कितना आ रहा है, इट्स कमिंग टू 72,000। नाउ नेट म्यूनसिपल वैल्यू 72,000, उसको डिवाइड बाय 90 इन 200 करेंगे, नेट म्यूनसिपल वैल्यू जो है वो 72,000 है, उसको डिवाइड बाय 90 इन 200 करेंगे तो ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड, एंड इट्स कमिंग टू 80,000। ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू कितना आ रहा है 80,000। सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेट म्यूनसिपल वैल्यू। सो हमारा क्वेश्चन में क्या था कि म्यूनसिपल टैक्स से पहले हमने नेट म्यूनसिपल वैल्यू निकाला, फिर नेट म्यूनसिपल वैल्यू से ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू निकाल लिया। दिस इज हाउ वी कंप्यूट, क्लियर। अब बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में फेयर रेट नहीं दिया हुआ है, सो व्हेनेवर क्वेश्चन में फेयर रेट ना दिया रहे तो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट होगा उसको हम लोग फेयर रेंट कंसिडर कर लेंगे। क्लियर, जो भी प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट होगा उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, फेयर रेंट कंसिडर कर लेंगे। तो ये छोटा छोटा बात है, याद रखना है। अगर हम सपोज हमने स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया हुआ है तो उस केस में जो ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है उसका जो हायर होगा उसी को हम लोग क्या ले लेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। एक और चीज़ याद रखना है, छोटा सा चीज़, अनरियलाइज रेंट सिर्फ और सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर का माइनस होता है। एनुअल रेंट से जो अनरियलाइज रेंट माइनस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर का माइनस होता है, प्रीसीडिंग ईयर्स का अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं होता है। एनुअल रेंट रिसीवेबल से जो अनरियलाइज रेंट माइनस होता है वो सिर्फ और सिर्फ करंट प्रीवियस ईयर का माइनस होता है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक में हम लोगों ने आज रिवाइज कर लिया, छोटा सा वीडियो था इसमें हमने रिवाइज कर लिया हाउस प्रॉपर्टी के बारे में 15 मार्क्स आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे सैलरी चैप्टर के बारे में फुल रिवीजन। क्लियर, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।